हे गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम मनाली के सारे स्नो पॉइंट्स कवर करते हैं और वहाँ के स्पेशल फूड को एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए थे बस स्टैंड पर। और वहाँ से हमारी बस लगी हुई थी लक्ष्मी हॉलीडेज की, जो कि हमें दिल्ली ड्रॉप करने वाली थी, तो हमने उसको बोर्ड किया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर साहब ने डिनर के लिए गाड़ी को रोका, हमने वहाँ पर डिनर किया। देन उसके बाद सुबह हम कश्मीरी गेट पहुँच गए और वहाँ से हमने मेट्रो को बोर्ड किया और पहुँच गए थे गुड़गांव आनंद के फ्लैट। और अब देखिए आगे। चलो तो यार, दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है, नहा धो के अपन निकल चुके हैं, आज अपना फास्ट है तो थोड़ा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद 12 बजे अपनी गाड़ी है जयपुर के लिए, तो शाम को होपफुली 5-6 बजे तक अपन जयपुर पहुंच जाएंगे और 6 बजे तक अपने घर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लगेंगे 5-6 घंटे, क्योंकि डबल डेकर लेती है 3.5 घंटे का टाइम, बाकी सारी गाड़ियाँ 5 घंटे से कम का टाइम लेती नहीं है। और यहाँ पे मैंने लोगों से पूछा शिव जी के मंदिर के आसपास, तो लोगों को पता ही नहीं है, तो उनसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, तो मैं तो पहुँच भी गया। मैंने किया था नाश्ता इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे है मंदिर। चलो यार, मिल गया मंदिर महादेव जी का। तो भैया से हमने फास्ट वाला जूस बनवाया अभी, तो बनाना शेक बना रहे हो। लो भैया ने जूस भी दे दिया अपना बनाना शेक, इसको पीते और अपने दिन की शुरुआत करते हैं और यहाँ से निकलते हैं गुड़गांव से जयपुर के लिए। तो भाई, मनोहर भाई के साथ अपन आ गए हैं इफ्को चौक और अभी जा रहे जयपुर के लिए। और पहले था अपना रेलवे स्टेशन से जाने का, और हाँ ये चीज़ इन्होंने दी हमें। लो भाई, अभी जयपुर के लिए निकल रहे हैं इस गाड़ी से और यहाँ पे यही है। अभी चलेगी ना? अरे चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया। तो भाई इफ्को चौक आते ये गाड़ी अपने को मिल गई थी और 12-11 पर निकल रहे हैं अभी अपन। बाहर का मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पूरी गाड़ी पैक्ड है। तो ये कुछ सीट मिली अपने को, 300 रुपीज़ इसका चार्ज है गुड़गांव से जयपुर तक का। और दोस्तों, गाड़ी के अंदर की कंडीशन कुछ इस तरीके की, गाड़ी फुल्ली एसी थी और ये अंकल थोड़ा सा इसी तरीके से बैठे हुए थे ऑल द टाइम जर्नी में, तो इनको इग्नोर करना। उसके बाद हम मैं थोड़ी देर में पहुंच गया था कैबिन के अंदर ड्राइवर के पास, क्योंकि 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके थे और मैंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था, तो मैंने उनको कहा टॉयलेट के लिए कहीं रोकी गाड़ी, तो उन्होंने पेट्रोल तो लेना ही था, तो 2 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी रोकी। 2 घंटे हो गए यार ये जगह तो बैठे बैठे, और मेरी क्या सीट बीच में है लड़की के बगल में, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ उधर। बाकी अभी टॉयलेट के लिए रुका हूँ मैं, ये गाड़ी फ्यूल के लिए रुकी है तो मैं टॉयलेट के लिए उतर गया हूँ, फिर वॉशरूम यूज़ करना था अपने को। दारूहेड़ा से बाहर निकले अभी और ये हाईवे पर कहीं इन्होंने फ्यूल के लिए रोका है, तो यहाँ से फ्यूल रिफिलिंग करा रहे हैं, वो अपनी बस है। ये गाड़ी अपन ने गुड़गांव इफ्को चौक से बोर्ड की थी, गाड़ी के अंदर वाईफाई भी है, एसी भी है, सब कुछ है। और टिकट देखो गुड़गांव से जयपुर तक का 300 रुपये है। और अभी हमें NH 48 बावल चौक से थोड़ा सा आगे, और जैसा मैंने ड्राइवर साहब से भी बात करी तो वो बता रहे हैं कि अपने को अभी 3.5 घंटे और लगेंगे, यानी कि 5:30 बजे अपन जयपुर में पहुँचेंगे। और अभी 2 बज रहे हैं और अपन ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है और खा पी भी नहीं सकते क्योंकि फास्ट है अपना, तो बस में बैठते हैं अपन अपनी। अपन तो आ गए स्लीपर वाले कोच के अंदर और यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है, तो अपना राजस्थान और उसकी अरावली की सीरीज, शानदार नज़ारा भाई, बहुत खूबसूरत। और ये देखो अपन फैल गए यार, क्योंकि यार पूरे 3 दिनों से अपन ने तकरीबन 100 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग की है, उसके बाद मेरी तो हालत चलो ठीक है, बट आनंद और राहुल और ब्रिजेस उनका फर्स्ट टाइम था, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो देखते हैं रात को बात करेंगे उनसे। और दोस्तों, एक बात आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेन से क्यों नहीं आऊँ, जबकि मैंने ट्रेन के लिए बोला था, बट यार ट्रेन 2 घंटा लेट थी, तो मैंने डिसाइड किया कि 2 घंटा वेट करने से बेटर है कि आप अपन बस से निकल जाते, तो मैं इफ्को चौक आ गया और 10 मिनट के अंदर ही हमें गाड़ी मिल गई थी ये वाली, और बहुत ही शानदार गाड़ी जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और थोड़ी देर में मुझे स्लीपर कोच भी मिल गया था क्योंकि सीट खाली जा रही थी ऊपर। वैसे अपन ने सोचा था कि गुड़गांव से अपन जयपुर ट्रेन के थ्रू जाएंगे, बट यार फिर ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, जिसकी वजह से मेरे को क्या है कि मैंने कैब भी बुक कर ली थी और कैब से मैं रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँचने भी वाला था, बट उसके बाद मैंने कैब वाले भैया से कहा कि आप लोकेशन चेंज करवाओ, तो हमने लोकेशन चेंज करी और उसके बाद मैं आया इफ्को चौक पे और ये बस मुझे वहीं पे खड़ी मिल गई पहले से, जैसे कि आपने देखा हो। और इसका भी वही चार्जेस था 300 रुपीज़ और एसी के अंदर बैठ कर आने को मिला, और क्या चाहिए, तो मैंने तुरंत बुक कर ली। और फिर अभी अपन जा रहे हैं आराम से, ये देखो फैल के अपन बैठे पूरी जगह, तो अपन 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे जयपुर एनी हाउ, यानी कि 5.5 घंटे का सफ़र लग रहा है यहाँ से। बस वाले भैया बता रहे हैं कि अभी अपन बहर रोड आ गए, तो बहर रोड से 3 घंटे का सफ़र रह जाता है, यानी कि 2:30 बज चुके हैं भाई। अब थोड़ी देर सो जाते हैं और उसके बाद आपसे बात करेंगे शाम को, क्योंकि यार बहुत थकान हो रखी है हाथ पाँव में। अभी सो जाएंगे तो थोड़ा शाम को जल्दी अपन आपके लिए ब्लॉग रेडी कर सकेंगे, तो चलो अभी सोते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
यार सोने की मैंने बहुत ट्राई की, एंगल बदल बदल के ट्राई की, बट यार नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हो जाता मुझे ट्रेवल में, बट एक्टिंग में बहुत अच्छी कर लेता हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यार इसी में से हवा आ रही है अभी भी, मैंने इसको बंद भी कर दिया है बट ये फिर भी हवा आ रही है। इस सर पे चलते एसी ने वैसे भी नींद को आने नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे थोड़ी स्टोरी वगैरह डाल दी जाए और थोड़ा आप लोगों के लिए रील्स वगैरह बनाई जाए, तो वही बैठ के मैं करने लग रहा था। और यार थोड़ी देर में पता ही नहीं चला कैसे घंटों बीत गए और हम पहुंच गए थे चंदवा जी। तो अभी यार अपन ने कर दिया चंदवा जी को क्रॉस, ये आ गया है छरौल का मार्केट और अब यहाँ से 1 घंटे का रास्ता रह जाता है जयपुर तक का। दोस्तों अभी मेरे पास लक्ष्मी हॉलीडेज की तरफ से कॉल आया था, फीडबैक कॉल, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार आप हमारी सर्विस को रेट कीजिए रेड बस ऐप पे। तो मैंने कहा था कि मैं कर तो दूंगा लेकिन मेरी कुछ फीडबैक्स हैं जो मैं आपको लाइव देना चाहूँगा। तो मैंने उनको अपने लाइव फीडबैक्स दिए जिसमें मैंने कहा कि उनको कि आपकी जो USB पोर्ट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, आपका जो 3-plug सॉकेट था वो भी काम नहीं कर रहा था। और जब मैंने स्टाफ से कहा कि यार ये 3-plug सॉकेट जो है वो काम नहीं कर रहा है, आप इसको ऑन कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाइए। मतलब ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। दूसरी चीज़ ये कि पानी की जो व्यवस्था थी वो मनाली से थी, तो पानी की बोटल्स भी मनाली में नहीं दी, वो भुंतर में दी, मतलब 1 घंटे बाद भुंतर से पानी को लिया गया और फिर दिया गया। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी रेटिंग तो अभी हाल फिलहाल जो मैं दे रहा हूँ वो 5 तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो सर्विसेज मैंने यूज़ करने के लिए जो इतनी महंगी टिकट ली है 2600-2700 रुपये की, तो उसका कोई मीन नहीं रह जाता जब आपके पास मतलब आप जो इक्विपमेंट्स कैरी कर रहे हो वो उनको चार्ज नहीं कर सको। और दूसरी बात ये, जब उनका सजेशन था कि आप पीछे जाके बैठ जाइए, तो मैं पीछे जाके क्यों बैठूँ जब मेरी सबसे आगे वाली सीट सबसे महंगी सीट मैंने बुक की है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ दिखाने के लिए अपने यूज़र्स को, तो मैं पीछे जाके क्यों बैठूँगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, तो इसलिए मैं उनको मतलब 5 तो रेटिंग नहीं दूंगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यार जो चीज़ मेरे को सही सेटिस्फाई नहीं कर सकी तो मैं उसको कैसे दे दूँ। 5 का मतलब होता है एक्सीलेंट, आपको हर जगह से सेटिस्फेक्शन है सर्विस से, बट मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है। और मैंने फीडबैक भी दिया है, सजेशन भी दिया उनको कि आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो अगर वो अच्छे से वर्क करते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी हम लक्ष्मी हॉलीडेज से ही सफ़र करेंगे। तो ये कुछ था। फिलहाल अपन जयपुर पहुँचने वाले हैं 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि अपन ने निम्स यूनिवर्सिटी को क्रॉस कर दिया अभी अभी। यार कैसे ये 3-4 दिन निकल गए पता ही नहीं चला, वक्त बहुत तेज़ी से निकल गया। मतलब हम लोगों ने खीर गंगा भी ट्रैक कर लिया, मनाली भी घूम लिए, कसौल भी घूम लिए, मणिकर्ण भी जाकर आ गए, और पूरी रात हमने मतलब सफ़र किया। और ये जो 3-4 दिनों का समय था वो ऐसा लग रहा है जैसे 5-10 मिनट में निकल गया हो, और अभी देखो पूरी जर्नी एंड होने वाली है हमारी विद इन 1/2 आवर। तो पता ही नहीं चला ये जर्नी कब कैसे कम्प्लीट हो गई। अब सारे व्लॉग एक एक करके आपके पास मिलते रहेंगे, आपको मिल ही रहे हैं, खैर वो तो मिल ही चुके होंगे क्योंकि ये तो सबसे लास्ट वाला वीडियो शूट हो रहा है अभी, जो कि मेरी रिटर्न जर्नी है गुड़गांव से जयपुर के लिए। और ये भी मतलब लास्ट मोमेंट पे अपन ने डिसाइड किए, जब अपन कैब बुक कर चुके हैं, अपन जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, बट रेलवे स्टेशन ना जाके अपन जा रहे हैं जयपुर इफ्को चौक बस स्टैंड, जहाँ से अपन को जयपुर के लिए बस मिल रही थी। और बस भी उसी टाइम बस वहाँ पर खड़ी थी और विद इन 5 मिनट वो वहाँ से चल दी। लो जी दोस्तों, देखते ही पता ही नहीं चला सफ़र कब ख़त्म हो गया और हम जयपुर पहुंच गए थे 5:30 बजे ऑन टाइम। और ये है जयपुर की ग्रीन वैली जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनी हुई है, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाती है। और हमारा बस स्टॉप भी आ गया था गलता गेट बस स्टॉप, तो हम वहाँ पर उतर गए थे। तो भाई हो रही अपनी बस और आ गए अपन गलता गेट, ये रहा गलता गेट भाई। तो गाइस फाइनली अपन आ गए हैं जयपुर में और मैं आया हूँ अभी गलता गेट पे मैंने स्टॉप लिया है क्योंकि यहाँ से मेरे पापा आएंगे मुझे लेने के लिए। और भाई मेरे सामने देखिए बहुत ही सुंदर जैन मंदिर बनने वाला है। तो जी ये थी कुछ सीरीज़ अपनी कसौल, खीरगंगा और मनाली की, जिसमें हमने मतलब कैंपिंग भी की है और होटल में भी ठहरे हैं 1 रात अपन, और माल रोड पर भी अपन ने 1 रात बिताई है, और 2 रातें अपन ने ट्रैवल करते हुए निकाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो थम्स अप, और अगर चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगली सीरीज में किसी अलग मंजिल के साथ। टिल देन पीस।